एमपी के रीवा के जनेह थाना क्षेत्र में स्थित गढ़ी चौकी में शनिवार की सुबह गजब का बवाल हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में एकत्रित ग्रामीणों ने थाने की घेराबंदी कर आक्रोश जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को शांत कराने में कड़ी मशक्कत की। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसी आरोपी को सबक सिखाने के लिए ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपी के घर में बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए लोगों ने उसका एनकाउंटर तक करने की मांग की। दरअसल शुक्रवार को 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने एक पड़ोसी सहयोगी छात्र के साथ स्कूल से घर जा रही थी, तभी बीच रास्ते में आरोपी ने दोनों को रोक लिया और जबरन मासूम छात्रा को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और गंभीर अवस्था में मासूम बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना घटी, स्कूल से बच्ची पेपर दे के जा रही थी, उसके साथ में एक दुष्कर्मी उसको पकड़ के गाड़ी बाइक में बूठा बिठा के ले गया, 15 किलोमीटर दूरी पे उसको छोड़ा, उसके साथ दुष्कर्म किया। और अभी यहाँ ये गढ़ी स्कूल से चलते वहाँ आगे बच्चे भी रहते हैं, देश के दारूखोर हवली के ऊपर बैठे रहते हैं, तो वहाँ से हवली हटाई जाए दारू की। और रोड में ये पुलिस व्यवस्था जो है इतनी कमज़ोर है, तो पुलिस की व्यवस्था रोड में यहाँ से वहाँ तक पूरा मुस्तकिल रोड आयात निर्यात करते रहे। ये घटना में परिजन थाने आए कल रात में, हमने तत्काल महिला थाना प्रभारी चाक घाट से बुलाया और FIR कराई। रात में FIR होने के बाद बच्चे को मेडिकल के लिए रीवा भेजा गया। सुबह पुलिस ने पब्लिक के सहयोग से आरोपी को पकड़ा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।